देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बड़ी मस्जिद में जुम्मे की अजान के बाद ब्रह्म कुमारी का आध्यात्मिक ज्ञान। बिहार के सुपौल जिले की सबसे बड़ी मस्जिद में एक सुंदर तस्वीर देखने को मिली, जब जुम्मे की अजान के बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्यों ने नमाज पढ़ने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए नशा मुक्त बनने का संकल्प कराया। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने सुपौल गांव को नशा मुक्त रखने में पूरा सहयोग दूंगा। मस्जिद के इमाम अकबर कासिम के सानिध्य में संस्थान से जुड़े लोगों ने तंबाकू और नशे को जहर बताते हुए सबसे नशा छोड़ने की अपील की। साथ ही आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा अल्लाह ताला से जुड़कर ध्यान साधना करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान सुपौल सेवा केंद्र की बीके शालिनी, बीके संजू, बीके लक्ष्मी, बीके संतोष तथा बीके राजीव ने बड़ी तन्मयता और गंभीरता पूर्वक लोगों को नशा मुक्त होने का संदेश दिया। अगर हम अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने घर की तरक्की चाहते हैं, अपने माशरे और खुसूसन नई नस्ल जो है उसकी तरक्की चाहते हैं और अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हम सबको जो नशा और जितने भी चीज़ें हैं इससे दूर रहना होगा, इससे अलग रहना होगा। अगर नशे की आदत हमसे छूटेगी तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा घर भी तरक्की करेगा और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। जापान के सुकुबा में नवनिर्मित रूप बसंत भवन बनकर हुआ तैयार। वर्तमान समय देश विदेश में ब्रह्म कुमारीज के हजारों सेवा केंद्र हैं। इन सेवा केंद्रों द्वारा लोगों के मानस पटल पर आध्यात्मिकता की छाप छोड़कर बीके बहनें ईश्वरीय सेवा और परमात्मा संदेश देने का कार्य कर रही हैं। जापान के सुकुबा में ब्रह्म कुमारीज का नवनिर्मित रूप बसंत भवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए बनकर तैयार हो गया है। इस भवन का उद्घाटन जापान एवं फिलीपींस में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी एवं मलेशिया में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। विधिवत रिबन काटकर एवं केक कटिंग कर सभी बीके सदस्यों की उपस्थिति में परमात्मा की याद में सभी ने भवन में कदम रखे। इस अवसर पर जापान की संस्कृति को दर्शाते हुए सभी ने गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से खुशियां मनाई। इसी तरह आगे इंटरनेशनल पीस डे के अवसर पर एक पब्लिक इवेंट हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा विशेष शांति एवं सद्भावना का संदेश नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसी कड़ी में जूनियर एलिमेंट्री स्कूल में आध्यात्मिकता पर बीके मीरा ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। ब्रह्म कुमारीज द्वारा मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन। मुंबई में ब्रह्म कुमारीज के दहिसर ईस्ट लॉयंस क्लब ऑफ मुंबई चैंप के संयुक्त प्रयास से मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन हुआ। इस कैंप में दहिसर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके विला, लॉयंस क्लब ऑफ मुंबई चैंप के अध्यक्ष विजय महाजन, जोन चेयरपर्सन मिलिंद महात्रे, रीजनल चेयरपर्सन रेखा शाह और सेक्रेटरी आशीष पांड्या उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके विलास ने शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखने का महत्व बताया। इस मेडिकल कैंप में ईसीजी टेस्ट, नेत्र परीक्षण, मधुमेह परीक्षण, बीएमडी टेस्ट, स्त्री रोग की जांच तथा सामान्य जांच जैसी सेवाएं दी गई। इस कैंप का लगभग 120 लोगों ने लाभ लिया। पंजाब के जालंधर में स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट विषय पर एक सेशन आयोजित हुआ, जिसे मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने संबोधित किया। करीबन 800 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में कुछ गतिविधियां भी कराई गईं, जिससे सभी को हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने का सुझाव मिला। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देकर बीके सुनीता ने उनका समाधान किया। इस कार्यक्रम में जालंधर सेवा केंद्र से बीके संघीरा, बीके राधिका और बीके हर्षा भी मौजूद रहीं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रश्मि मित्तल ने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। Then I will be do my assignments, then I will get my CMRs. Now I am thinking that I am a powerful soul, I can do this. Now I will be complete my all those things and I will have the mark. संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग एवं जन दर्पण सेवा संस्था द्वारा संयुक्त प्रयास से त्रिपुरा के अगरतला में नेशनल ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस आयोजन में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली समेत देश भर के 20 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की परंपरागत लोक कला का सुंदर व अद्भुत प्रदर्शन दिया। रविंद्र हॉल में समस्त कलाकारों का सम्मान हुआ। इस अवसर पर जन दर्पण सेवा संस्था के निदेशक बपन साहा, राजयोग शिक्षिका बीके ममता, बीके संजय, बीके भारत भूषण समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।